नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप लोगों के बेली फैट को रिड्यूस करेगा, साथ ही आप लोगों के बर्ड्स को टोंड करेगा, और आप लोगों को इसके लिए तैयार हो जाना है। तो सुबह सुबह तैयार हो जाइए अपनी योगा मैट के साथ। एक मैट होनी चाहिए जिसके ऊपर आप लोग एक्सरसाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है और कितने सेकंड्स तक करनी है। सभी एक्सरसाइज जो है वो 40 सेकंड्स की हैं और सभी एक्सरसाइज को आप लोगों को रेगुलर करना है। 5 दिन आप लोग अगर ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप लोगों के बर्ड्स और आप लोगों की जो साइड वेस्ट है वो टोंड होने में आप लोगों को मदद मिल सकती है। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग साइड लेग रेज, एल यानी कि लेफ्ट लेग के साथ आप लोगों को करनी है और ड्यूरेशन इसका रहेगा आप लोगों का 40 सेकंड्स। टारगेट जो मसल्स रहेंगी वो रहेंगी वेस्ट, यानी कि आप लोगों की कमर जो है उसकी साइज आप लोग कम कर सकते हैं। दूसरी है आप लोगों के बट्स, बट्स मसल्स भी इससे टोंड होती हैं और थाइज मसल्स भी इससे टोंड होती हैं। तो जो लोग थाइज को, बट्स को और अपनी कमर की साइज को कम करना चाहते हैं वो ये एक्सरसाइज 40 सेकंड के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेस्ट की, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। 10 सेकंड का हम लोग जो है इसमें रेस्ट डाल रहे हैं, 10 सेकंड का रेस्ट डाल रहे हैं। तो आप लोग आराम कर लीजिए 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज सिमिलरली आप लोगों को दूसरे लेग के साथ करनी है, यानी कि राइट लेग के साथ आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। और इस एक्सरसाइज की जो टारगेट मसल्स रहेंगी वो सेम रहेंगी जो कि प्रीवियस थी, लेकिन ये लेफ्ट लेग की नहीं है, ये राइट लेग की रहेंगी। ये एक्सरसाइज भी ड्यूरेशन वही रहेगा आप लोगों को, 40 सेकंड्स का रहेगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने दोनों हाथ जोड़ने हैं और अपने चेस्ट के पास आप लोगों को रखने हैं और अपने एक पैर को उठाना है जब तक कि आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो ज़्यादा जो है थोड़े से स्ट्रेच ना हो जाए। ज़्यादा आप लोगों को करने की ज़रूरत जो है वो इस एक्सरसाइज में नहीं है, थोड़े थोड़े आप लोग उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेस्ट की। तो ये 10 सेकंड का रेस्ट आप लोगों को फिर से लेना है। 10 सेकंड का रेस्ट जो है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और हेल्थी रहेगा, क्योंकि 10 सेकंड का रेस्ट ज़रूरी होता है। तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, स्क्वाट विद क्रंच, ड्यूरेशन 40 सेकंड्स का है इस एक्सरसाइज में भी। और इस एक्सरसाइज को आप लोग स्लो स्लो भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग फास्ट करें। इसकी जो टारगेट मसल्स हैं वो वेस्ट मसल्स रहेगी, बट मसल्स रहेगी और थाई मसल्स रहेगी। सिमिलरली जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये स्टैंडिंग आप लोगों के लिए है, इसमें खड़े होकर ही आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है और ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों की 40 सेकंड की रहेंगी। इस एक्सरसाइज को करना भी आसान है, आप लोग दोनों हाथ जो है अपनी गर्दन के पीछे रखें। अब स्क्वाट पोजिशन में नीचे की ओर बैठिए और अब आप लोगों को जब ऊपर की ओर आना है तो आप लोग बाइसिकल क्रंच का हेल्प जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग नॉर्मल में बाइसिकल क्रंच करते हैं। अब आप लोगों का रेस्ट टाइम हो चुका है 10 सेकंड का, फिर से आप लोगों को रेस्ट मिल जाता है और आप लोग अपना जो पसीना है उसे आप लोग सुखा लीजिए। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज आती है स्क्वाट विद साइड लेग रेज, ड्यूरेशन आप लोगों का 40 सेकंड का रहेगा। टारगेट मसल्स आप लोगों की वेस्ट मसल्स रहेगी, बट मसल्स रहेगी और थाई मसल्स रहेंगी, वही सिमिलर आप लोगों की रहेगी, क्योंकि ये सभी एक्सरसाइज इन तीनों मसल्स के लिए ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो टोटल आप लोगों की 8 मिनट एक्सरसाइज आप लोग मान सकते हैं कि टोटल 8 मिनट to 9 मिनट आप लोगों की एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज को भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए ही करना है। कैसे करना है, सिंपल, आप लोग स्क्वाट की पोजिशन में दोनों हाथों को आप लोग जोड़कर रखिए, थोड़ा गैप आप लोगों को दोनों उसके बीच में रखना है पैरों के बीच में, और ऊपर उठेंगे तो आप लोग साइड लेग रेज जो है वो ऊपर की ओर उठाएंगे। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में भी आप लोगों को मिलता है रेस्ट, दोबारा से आप लोग रेस्ट कर लीजिए, अपनी मसल्स को थोड़ा बहुत आराम दे दीजिए। उसके बाद में हम लोग 40 सेकंड्स के लिए नेक्स्ट फिफ्थ वाली एक्सरसाइज जो वो करते हैं, उसका नाम है स्टैंडिंग क्रच विद बैक मूव। बैक मूव का मतलब पीछे की ओर आप लोगों को हाथों को लेकर जाने हैं और ऊपर की ओर लेकर जाना है। सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, आप लोगों को बैक मूव आर करना है, आर यानी राइट हैंड साइड की ओर आप लोगों को बैक मूव करना है अपने हाथों को ऊपर से नीचे की ओर ले जाकर। टारगेट मसल सिमिलर रहेंगी, वेस्ट मसल्स रहेगी, बट मसल्स रहेगी और थाई मसल्स रहेगी। और ये इस एक्सरसाइज को करना कैसे है, दोनों हाथों को जोड़िए और जब आप लोग एक जो डायगोनल बनाते हैं उसी डायरेक्शन में हाथों को ऊपर से नीचे की ओर लाइए, और जब आप लोगों के हाथ नीचे आएंगे तो जस्ट आप लोगों का पैर की जो नी है मोड़कर आप लोगों को ऊपर की ओर ले जाना है। अब आप लोगों को फिर से 10 सेकंड का रेस्ट लेना है, आराम कर लीजिए, मसल्स को आराम दे दीजिए और जो है अपना पसीना सुखा लीजिए। नंबर सिक्स एक्सरसाइज है स्टैंडिंग क्रंच विद बैक मूव एल,
ये सिमिलर एक्सरसाइज है, लेकिन ये आप लोगों की लेफ्ट लेग के साथ है, पहले बताता हूँ। और मूव भी आप लोगों को लेफ्ट ही करना है। तो आप लोगों को जैसा कि मैंने कहा कि टारगेट मसल सिमिलर रहेंगी, लेकिन ये लेफ्ट लेग की रहेंगी और राइट लेग की आप लोगों को प्रीवियस जो स्क्रीन थी उसमें आप लोगों को दिखाई देती। तो ये आप लोगों के बट मसल्स के लिए अच्छी हैं, थाइज मसल्स के लिए अच्छी हैं और आप लोगों के एब्स के लिए अच्छी हैं। तो जो लोग अपने पेट को कम करना चाहते हैं, अपनी थाइज को स्टोन्ड बनाना चाहते हैं, बट्स को टोन्ड बनाना चाहते हैं, तो ये सभी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो। तो नंबर 6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, उसके बाद में आप लोगों को मिलता है फिर से रेस्ट। तो 10 सेकंड का फिर से रेस्ट लेने के बाद आप लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, लेकिन 10 सेकंड का रेस्ट जरूर लीजिएगा, ये जरूरी है आप लोगों की मसल्स के लिए। नंबर 7 एक्सरसाइज की बात करते हैं हम लोग, स्क्वाट पोजिशन विद साइड बैंड, ड्यूरेशन 40 सेकंड का रहेगा। इसमें आप लोगों को कैसे करना है, टारगेट मसल सिमिलर रहेंगी आप लोगों की, वेस्ट मसल्स रहेगी, बट मसल्स रहेगी और थाई मसल्स रहेगी, ड्यूरेशन 40 सेकंड्स का ही है। इसमें आप लोग एक स्क्वाट पोजीशन बना लीजिए। स्क्वाट में आप लोगों को स्क्वाट करना नहीं है, नीचे की ओर थोड़ा झुककर आप लोग जो है स्क्वाट की तरह, सुमो स्क्वाट जैसा होता है वैसे ही आप लोगों को करना है। अब आप लोगों को साइड बैंड होना है, दोनों हाथ जो है गर्दन के पीछे रहें और इस एक बार लेफ्ट की ओर टर्न करें, एक बार राइट की ओर टर्न करें, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है स्क्वाट पोजीशन विद साइड बैंड ड्यूरेशन 40 सेकंड्स की। तो इस एक्सरसाइज को करने के बाद फिर से आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट मिल जाता है, आराम कर लीजिए, पसीना सुखा लीजिए और फिर से एक नेक्स्ट मूव की ओर चलेंगे जो आप लोगों के थाइस फैट को, बैली फैट को और आप लोगों के बट फैट को रिड्यूस करेगा। एक्सरसाइज नंबर 8 साइड बैंड विद लेग, यानी कि एल साइड बैंड करना है लेफ्ट साइड की ओर और ये 40 सेकंड्स की एक्सरसाइज रहेगी। टारगेट मसल्स वही रहेंगी, वेस्ट मसल्स, आर्म मसल्स, ये दोनों डिफरेंस हो गई है यहाँ पर। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को अपने हाथ में कुछ वेट रखना होगा। तो या तो आप लोग आधा केजी का वेट रख लीजिए, आप बोतल रख लीजिए, पानी की बोतल, और एक हाथ जो है आप लोगों को अपनी गर्दन के पीछे की ओर रखना है। अब आप लोगों को लेफ्ट साइड में बैंड होना है, दोनों पैरों के बीच में आप लोगों का गैप होना चाहिए, नॉर्मल स्ट्रेट पोजीशन में आप लोगों को खड़े होना है। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। तो कमर की जो चर्बी है उसे आप लोग कम कर सकते हैं और टोन बना सकते हैं अपनी कमर को। ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों की कमर को कम करते हैं, आप लोगों के बट्स को टोन बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं आप लोगों की थाइस को। तो जो सेल्यूलाइट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आराम करने के बाद में, एक्सरसाइज नंबर 9 साइड बैंड विद आर, ड्यूरेशन 40 सेकंड का रहेगा। टारगेट मसल्स वेस्ट मसल्स रहेंगी, आर्म मसल्स रहेंगी और ये सभी वर्कआउट्स आप लोग जो है 40 सेकंड्स के ही आप लोगों को करने हैं। सिमिलर ये भी वही एक्सरसाइज है, लेकिन ये सिर्फ आर की साइड में वेस्ट टर्न है। मैंने जैसा आप लोगों को कहा था, अगर आप लोग एक सिमिलर एक्सरसाइज करते हैं लेफ्ट लेग के साथ या लेफ्ट हैंड के साथ, तो आप लोगों को राइट हैंड राइट लेग के साथ जरूर करनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये भी 40 सेकंड्स के लिए डाला है साइड बैंड आर, और इसमें आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड है वो गर्दन के पीछे रहेगा और जो राइट हैंड है उसमें आप लोगों का वेट रहेगा। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब ले लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, पसीना सुखा लीजिए फिर से और थोड़ा आराम कर लीजिए। पानी वानी पीना है तो नॉर्मल वाटर आप लोग पिए, ध्यान रखिएगा आप लोगों को हैवी वेटर जो है वो नहीं पीना है। अब एक्सरसाइज नंबर 10 की ओर चलते हैं, स्टैंडिंग क्रंच विद साइड बैंड एल। ये है स्टैंडिंग क्रंच विद साइड बैंड एल, एल मतलब लेफ्ट लेग के साथ आप लोगों को साइड बैंड करना है। ड्यूरेशन 40 सेकंड का रहेगा। टारगेट मसल सिमिलर रहेंगी, वेस्ट मसल्स, बट मसल्स एंड थाई मसल्स। इसमें आप लोगों को करना क्या है, सीधे खड़े हो जाइए, उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर झुकिए और वही पैर जो है लेफ्ट साइड वाला पैर जो है उसको घुटना मोड़ते हुए ऊपर की ओर लेकर जाइए और सेम कोहनी के अगर टच होता है तो टच करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा गैप आप लोग उन दोनों में रख सकते हैं। तो ये आप लोगों की कमर की साइज़ को कम करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। अब फिर से आप लोगों का क्या आ चुका है, आप लोगों का आ चुका है रेस्ट टाइम। आप लोग पानी वानी पी लीजिए थोड़ा सा अगर नहीं पिया है तो, और थोड़ा सा आराम कर लीजिए 40 सेकंड्स के लिए। फिर से नंबर 11 एक्सरसाइज आप लोगों के सामने आती है, स्टैंडिंग क्रंच विद साइड बैंड आर। इसमें भी प्रीवियस जो वीडियो था उसकी तरह ही आप लोग जो है इसमें करना है, सिर्फ इसमें डिफरेंस है तो राइट लेग का, राइट हैंड का, लेग्स का। और इसमें आप लोग देखिए साइड बैंड हो रहे हैं राइट साइड की ओर और बैंड भी हो रहे हैं, तो दोनों पैरों के बीच में गैप भी रखिएगा और इतना बैंड होना है कि आप लोग जो है दोनों घुटने और आप लोगों की कोहनी जो है वो टच हो या उन दोनों के बीच में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो, तो इसमें आप लोगों की जो कमर की साइज़ है वो आप लोगों की कम होती है। लेकिन दोनों बार अगर आप लोग लेफ्ट और राइट के साथ कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों का सिमिलर रहना चाहिए गैप, ठीक है। अब थोड़ा सा गैप तो हो जाता है,
लेकिन रेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और रेस्ट के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि लास्ट मूव की ओर, नंबर 12th एक्सरसाइज की ओर, स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंच ड्यूरेशन 40 seconds। ये मैं कैसे छोड़ सकता था, आप लोगों को पता था बाइसिकल क्रंच तो आप लोगों के बेहतर है एब्स के लिए, एब्स मसल्स के लिए, तो इसको भी आप लोग 40 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। सिमिलर है, आप लोग जो है दोनों हाथों को अपनी गर्दन के पीछे रखें और एक पैर का घुटना उठाते हुए जस्ट दूसरे हाथ की कोहनी के ऊपर लेकर जाइए यानी पास लेकर आइए, तो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो आप ही का चैनल है कैसे बढ़ेगा। प्लीज़ इसको थम्सअप दे दीजिए, थम्सअप तो बनता ही है।